तो बांसुरी उसके पास नहीं थी उस समय, बांसुरी नहीं। और गाने लग गए राधा 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 राधा, धारा धारा जैसे बोल रहे हो, चित्त वृत्ति की धारा जा रही है, इसका नाम राधा। नीचे से ऊपर धारा जाती है शरीर के भीतर, और ऊपर से देखो तो वो राधा मालूम पड़ती है। ये आराधना का रूप है, आराधना का स्वरूप है। कबीर स्वामी ने, कबीर साहब ने इसका वर्णन किया है, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दई लखा है। अगम की एक धारा बहती है अपने शरीर के भीतर, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दई लखा है। उलट साह सुरन करो स्वामी संग मिलाए, अपने जो स्वामी है ना उनके साथ मिलाए। तो राधा 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 राधा, भागवत संदर्भ में एक प्रसंग है इस बात का, जैसे भक्त लोग भगवान के लिए व्याकुल होते हैं ना, वैसे भगवान भी अपने भक्त के लिए व्याकुल होते हैं। नाम जप करते हैं अपने भक्त का, नाम जप करते हैं भगवान, माला पहनते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, जग जप राम, राम जप जी। राम क्या जप करते थे? बोले भरत भरत भरत। भगवान जी अपने प्रेमी का जप करते हैं। इतनी चिंता होती है कि रात को नींद ना आवे, उसका स्मरण करके आंख में आंसू आते हैं, शरीर में रोमांच होता है। भीष्म पितामह का ध्यान करते थे श्री कृष्ण चंद्र, ये वर्णन आता है। जब राधा 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 करते हुए तन्मय हो गए, तो एक ऐसी स्वर लहरी थी थी उनके मुखारविंद से, एक ऐसी स्वर धारा बनी कि त्रिभुवन उसमें डूबने लगा। वे संगीत सुन करके सरस्वती मोहित हो गए, और मोहित होकर के भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुए। अकृष्ण के तो नेत्र बंद और राधा 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 बोल रहे थे ध्यान में। जब उनकी जो तन्मयता टूटी और आंख खोल के देखा, तो सामने वीणा बाजनी भगवती सरस्वती खड़ी है। बोले देवी तुम कैसे यहाँ? सरस्वती ने कहा कि मुझे स्वीकार करो, अपनी दासी बनाओ। अब उस समय राधा के ध्यान में मग्न श्री कृष्ण, उन्होंने कहा भाग्या मेरे सामने से, आज्ञा, तिरस्कार कर दिया। तो उस तिरस्कार के कारण सरस्वती की जड़ हो गई, परंतु उनके मन में श्री कृष्ण के अभरामृत की जो धारा प्रवाहित हो रही थी, राधा 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 इस संगीत में उसके बाघ की वासना थी। तब वो ब्रज भूमि में बाघ होकर के प्रवेश हो, फिर उस बाघ में गोल भीतर जाखें बाहर, उसका अगला हिस्सा काटा गया हो, अपने पंथ से अलग किया गया हो। पंथ त्याग ही तो होता है ना, प्रभु से मिलने के लिए, जैसे पति गृह में जाने के लिए पितृ गृह का त्याग करना पड़ता है, वैसे प्रभु का अग्राग्र त्याग जो है वो छोड़ गई, बिना दाग पूरे निर्गम हुए बिना कैसे प्रभु पंथ त्याग। आग में तपाया गया, सीधा किया गया, पीला गया, तब कहीं सरस्वती बासुरी बन करके, बंसी बन करके श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित है। अभिमान नहीं था, मैं शुद्ध वंश की बंसी हूँ, छिद्रों से भरा हुआ है तन, मैं शुद्ध वंश की बंसी हूँ, मैं एक बनने के बाद के वंश में पैदा हुई हूँ, और छिद्रों से मेरा शरीर भरा हुआ है,
अपने अंदर न सांप है, न राग है, न मन है, न अपना मन है, न अपना मन है, न अपना प्राण है, न अपना राग है, न अपनी शान है, कुछ तो आना नहीं है ना। तब श्याम सुंदर ने अपने हाथ में लिया, देखा कि हाँ हमारा राग, हमारी शान, हमारा प्राण, बांसुरी प्राण वाद्य बोलते हैं, इस बाजे को तो क्या कहा जाए जो इतने पर बजते हैं, किसने और बजे। हाँ बहुत सारे बाजे थे, होते नगाड़े हैं, मृदंग है, ढोल है, तबला है, ये तो आघात बात है ना, आघात बात। और किस बात बाजे ऐसे होते हैं जो रगड़ने से पंक्ति बात को जिनको बोलते हैं, सारंगी है, बीना है, वाद्य। और कुछ वाद्य ऐसे हैं जो आपस में ही उनको टकराओ काफी के होते हैं ना, ऐसे बजते हैं। और ये बांसुरी और शहनाई ये प्राण वाद्य होते हैं, प्राण वाद्य अपने प्राणों से बजाओ तब बजे। तो ये बंसी जो है ये प्राण वाद्य है, प्राण वाद्य इसमें जितनी करुणा है, इसमें जितना प्रेम है, इसमें जितनी तन्मयता है, इसमें जितना रस है, इतना संसार के और किसी दूसरे वाद्य में और किसी दूसरे वाद्य में नहीं है। इसी से तो देखो भगवान, कभी सोते हैं तो छाती पे लगा के सोते हैं, कभी खाते हैं तो छोटे में लगा लेते हैं, कभी सांस के नीचे लगा लेते हैं, कभी तकिए के नीचे रख के देते हैं तो चोरी में चली जाए। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं इस बांसुरी को। सरस्वती ही भगवान के मिलन की वासना से ज्ञान की जो धारा है सरस्वती है, वो बंसी बन करके श्याम सुंदर के होठों से लगती है। रंद्रान गुणो रहर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब बांसुरी में जो मधुरता है, जो बंसी में इतनी माधुरी कहाँ से आई, तो बेटियों को ऐसा लगता है कि बांस की बसुरिया में तो इतनी मिठास नहीं हो सकती। ये जो बंसी में मिठास है ये अधर सुधा निरूपक है, माने श्याम सुंदर के अधरे से कोई अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है और वो बांसुरी में से संगीत बन करके निकलती है, इसलिए बांसुरी में मिठास है। देखो ये प्रेमी का दृष्टिकोण है। अगर संसार में कहीं भी गुण है तो प्रेमी को ऐसा लगता है कि ये हमारे प्रियतम का ही गुण है। बांसुरी के संगीत में अगर माधुर्य है तो वो बांसुरी का नहीं है, किसका है? तो हमारे प्रियतम ज्ञान सुंदर का है। एक बार एक आदमी की हमारे ऊपर श्रद्धा हो गई, वो प्रेम हो गया। वृंदावन की बात बताता हूँ आपको। तो मैं यहाँ श्रीमद भागवत की कथा सुनाता था, वृंदावन में जितने दिन रहता भागवत की कथा सुनाता, तो उर्वी राजा जी महाराज हमेशा ही सुनते, उनके यहाँ तो वो तो नीचे बैठ के सुनते थे ना, कोई भी कथा करे स्वयं नीचे बैठ के श्रवण करते थे, वो कभी गद्दी पर बैठ के श्रवण नहीं करते थे, करते कभी बैठते थे नीचे बैठ के। पहले बार हमको मिले भी ऐसे, मैं पहले दिन जैसे मिले प्रयागराज में, मैं ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी के यहाँ बड़ा ऊंचा सिंहासन बनाया हुआ था, उस पर बैठ के वेणु जी की कथा कर रहा था। और वो आए और आके डाली जो बिकी हुई थी नीचे, उनके साथ पता था आदमी से आप बाली पर बैठे। तो एक ने कहा कि स्वामी जी हम समझते हैं कि दादा आपकी कथा क्यों सुनते हैं, तो उनको कुछ सीखना होगा, आपकी कथा से सीख लेते होंगे फिर उपदेश करते होंगे, है ना। देखिए तो महापुरुष थे, जीवन मुक्त महापुरुष, है ना, उनके लिए तो जो काम करे वो उनकी बुद्धि में अपने आवाही श्रद्धा और ऐसी प्रतिभा भी ग्रस्त कि कोई प्रश्न करो तो क्या उसका उत्तर देगा। लेकिन
उसके मन में ऐसी बात क्यों आई? बसंती ही प्रेम ने गुणा न वस्तु में, जिसका जिससे प्रेम होता है उसको उसी में गुण दिखाई पड़ता है। गोपियों के बाकुरी में स्वर की माधुरी नहीं दिखती है, कृष्ण की अधर प्रभा में माधुरी दिखती है, ये प्रेम है। असल में कोई अथरा अमृत भगवान बाकुरी के भीतर भरते नहीं है और उसकी अथरा अमृत नहीं फैलता है, पर जो बाकुरी के स्वर में माधुरी है उसका प्रेम बाकुरी से नहीं है, श्री कृष्ण के अधर है। इसलिए गोपी जो है वो भी उसका प्रेम श्री कृष्ण के अधरामृत को दे रही है। अगर सुधया अधर सुधा का दूसरा अर्थ होता है अधरा नीचना सुधा यज्ञा दया। सुधा माने अमृत भी है उनकी, जिसके सामने सुधा भी पीती है, अमृत भी जिसके सामने पीता है उसको कहते हैं अधर सुधा। ये दान किसको कहते हैं, देते किसको हैं? देखो इतने उदार सुधा मणि है कि अधिकारी और अधिकारी का विचार किए बिना ये सूखा काट गतिला छिद्र वाला जल मुहा लो गला इसको ये इतना अमृत पिलाते हैं, तो यदि कोई इसका अधिकारी मिल जाए तो इसको कितना अमृत पिलाएंगे? इंद्रयन कभी कम नहीं है ना। इंद्रयन इंद्रयन का अर्थ है कि बाढ़ आ रही है, अमृत की बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। इसमें भी बांसुरी को नहीं, यहाँ तो देने शब्द का प्रयोग है तो संस्कृत में इसकी उत्प्रेक्षा यह की जाती है। संस्कृत में गमती शब्द त्रिलिंग है, मुरली शब्द त्रिलिंग है और देनी शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो रसिक लोग कहते हैं कि या श्री कृष्ण अंधा है, अंधा अगंध पता पेड़ भाजी पता पेड़ खाजा वाला है ना, अंधेर नगरी क्या अंधेर नगरी, ये कानून यहाँ चला रखा है, ये देने से पूरी से जाती है, ये क्या आधार सुधा दान करनी होगी है? ये बासुरी तो नहीं, देने तो नहीं, रंध्रा उसके छिद्रों को रंध्रानी। सुखदेव जी महाराज अपने व्याकरण के अनुसार बोल गए हैं रंध्रा, ये पानी की व्याकरण के अनुसार नहीं है, पानी की व्याकरण के अनुसार तो रंध्रानी होता है। पर जब आदमी मतवाला हो जाता है तब उसको व्याकरण नहीं सीखता है, ये तो श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न। अब वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रादित पीछे पीछे धूप वृंदई गीत गीत कीर्ति पीछे पीछे ज्वाल बाल श्री दामा सुजल मंडली भद्र तेज कृष्ण रेगा तेजा तेजा बधुमंगल सुमासम ये कृष्ण का गान कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम तो बतुरिया लेके जाते हो है ना, हम तो देखो हमारा जनई बासुरी से पढ़ते है और तुम तो पीसी करते हो, हम कैसा बढ़िया तुम्हारे गुणानुवाद का गान कर रहे हैं, क्या रखता है बासुरी में? पर उनके स्वर से स्वर मिला के जाते बासुरी में तो तुम जाने क्या क्या बोलते हो, कभी मालूम होता है ही जाते हो, कभी मालूम पड़ता है ही जाते हो, कभी मालूम पड़ता है गंगे जमुने सरस्वती कैसे गायों को पुकारते हो, तो कभी मालूम पड़ता है कि राजे बने ललिते बिताते कहकर गोपियों को पुकारते हो। और हम देखो कैसे अच्छे हैं, क्या हम तो अपना कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया ऐसे बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया दाऊ का भैया, हम कैसा प्यार से तुम्हारा नाम लेते हैं। सुनो कृष्ण कीर्ति का गान करते हैं जो तो वृद्ध ही गीत कीर्ति, तो चारों ओर वृंदावन पैदा हुआ है, गौने रूप में चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल बाल, बीच में मोर मुकुल आए, कर्णिकार का पुष्प कान में लगाए, नजर बसु पीतांबर धारी वैजयंती माला पहने हुए और बांसुरी बजाते हुए ध्यान सुंदर चल रहे हैं। अब भगवान कहाँ प्रवेश करते हैं ये बात बताते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम
सद्गीतकीर्ति वृंदारण्यम स्वपद रमणम। उन्होंने वृंदावन का परिचय भी दिया, देना हुआ ना, एक स्त्री के मन में प्रवेश कर रहे हैं, बोला वृंदावन प्रियारण्य जहाँ की मालकिन एक स्त्री है, वृंदा स्त्री के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, बोला जिस रसा वेश में नटबर बची होकर के कहा प्रवेश कर रहे हैं, बोले वृंदारण्य वृंदा जी के अरण्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो वृंदा शब्द का तीन अर्थ होता है ना, एक तो वृंदा माने तुलसी, तुलसी कानन गंत्र जहाँ तुलसी का जंगल है वहाँ भगवान निवास करते हैं। अभी हम लोगों ने 10-20 बरस पहले देखा था वृंदावन में किसी तरफ निकल जाए तो जंगल में तुलसी का जंगल दिखता था, वो अब तो जंगल कट गया, शेष हो गए, अब तो तुलसी लोगों को घरों में पूजा करने के लिए रह दिए। नहीं तो पहले जंगल में जैसे पलाश के वृक्ष लगे होते तुलसी के जंगल के जंगल, तो वृंदा तुलसी का जंगल है, भगवान को बड़ा प्यारा, उसमें शेर नहीं रह सकते, उसमें भेड़िए नहीं रह सकते, है ना, छोटे छोटे वृक्ष कोई जल की चीज नहीं, बालक उसमें खेलते बहुत बढ़िया सुगंध है, भगवान को बहुत प्यारी। वृंदा का दूसरा अर्थ वृंदा शक्ति, राधा रानी की सखी वृंदा, वो उस वन की अधिष्ठात्री है, वो वहाँ सब साज श्रृंगार ठीक रखती है। जब श्री कृष्ण से राज करने के लिए वहाँ गए, गोपियाँ पहुंची, अब मृदंग कहाँ से आए, अब वीणा कहाँ से आए, अब पान कहाँ से आए, अब कवर कहाँ से आए, तो वो वृंदा सखी सारा बंदोबस्त करके वहाँ जंगल में रखती है और वही वृंदावन की स्वामी अधिष्ठात्री है, प्रबंध करते हैं। वृंदा शब्द का तीसरा अर्थ है राधा रानी, यहाँ की स्वामिनी श्री राधा रानी है, बिना उनकी आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता वहाँ और कोई रह नहीं सकता। वृंदावन में रहने के लिए तीन बात का होना आवश्यक है, एक तो राधा रानी के चरणों में प्रीति है, अनाराध्य राधा सदा भोग सुजुम्मा, राधा चरण कमल जुगल की आराधना के बिना यदि कोई चाहे तो वृंदावन का रस लूटे नहीं मिल सकता। अनाश्रित्य वृंदा करीन तक पदांगा और राधा रानी के चरण चिन्ह से चिन्हित वृंदा कविता आश्रय देना और असंभा के तदभाव गंभीर चिंतान। राधा कृष्ण जुगल सरकार का जो रस रहस्य है उसके गंभीर भाव में जिनका हृदय डूबा हुआ है उन पुरुषों का आश्रय लेना, बिना रसिकों से संभाषण किए, बिना वृंदावन का आश्रय लिए, बिना राधा रानी की आराधना किए श्याम सिंधु जो रसमय श्याम सिंधु है उसकी छा नहीं लग सकती, उसका उदाहरण नहीं हो सकता। तीन बात अच्छा जी, तो वो वृंदारण्य है। अब वृंदारण्य शब्द का अर्थ क्या है, वैसा है वृंदारण्य बड़ा सुंदर भागवत में तो स्थान स्थान पर वृंदारण्य का वर्णन है। वनम वृंदावनम नाम सज्जम नवदाननम, वृंदावन कैसा है तो पसद्यम पशु जो हिस्सा जो पशु है उनके लिए हितकारी है, माने गायों के लिए हितकारी है और जो संसार में पशु हो गए हैं उनके लिए भी हितकारी है, जो भगवान के पशु बनना चाहते हैं उनके लिए भी हितकारी है। और नवदान यत्र नहीं कर दुर्वैया एक बार मन में मेरे आया कि थोड़े वृंदावन कभी कभी डूब जाती है कभी उसको ना, तो निकला वहां पर जो साथ चलते हैं, जब बाहर निकले हनुमान जी के मंदिर के लोग आगे लुटेरिया के पेड़ के आगे बढ़ते बढ़ते अरे ऐसा मन बदला, पेड़ की ओर देखा तो पत्ते में ऐसी कम कम चमक मालूम पड़े जैसे सोने के पत्ते हों, दिन में मालूम पड़े कि ये वृक्ष नहीं है, मैं रास्ते में चलू और मालूम पड़े ये वृक्ष नहीं है, ये तो एक दिन ये दिन है।
उसी समय मन में आए कि लौट चलो, एक दो दिन भी नहीं चला और मन में आए कि लौट चलो। ये तो बड़ी शर्म की बात हुई, करके तो आए कि अब जाते हैं वृंदावन से, कोई मनाने आया नहीं है, कोई मनाने आया नहीं है और अपने आप ही लौट चले। अरे वृंदावन सीखे, वृंदावन पे बैठ जाओ, वृंदावन पे मत जाओ, वृंदावन पे हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। बड़ी महिमा है वो वृंदावन, ये तो दिव्य दिव्य धाम है भगवान का। बेटर यत्र प्रविष्ट सकलों गंतु आनंद सचित घनता अनुभवी, यहाँ प्रवेश करने पर कोई भी प्राणी हो सत्य का आनंद घर दिव्य भगवान का परिसर हो जाता है, ऐसा वृंदावन। अब ये वर्णन करते हैं कि आखिर श्री कृष्ण क्यों प्रवेश करते हैं, तो वृंदारोहण का विशेषण है इस श्लोक में, स्वपद रमणम, स्वपद रमणम, स्वपदयो हो रमणम रति जनकम। कहते हैं कि रमण उनको कहते हैं जिसके रस में लगे, तो भगवान के चरणारविंद को इससे रस मिलता है। तो पदयो हो रमणम रति जनकम, श्याम सुंदर वृंदावन में चलते हैं। तो ये तो आपके मालूम है कि वहां जूता नहीं पहनते, खड़ा नहीं पहनते। नंद बाबा ने यशोदा मैया ने बहुत आग्रह किया कि लाला तुम जाओ तो पीछे पीछे जंगल में जाते हो, कुछ तो पहन के जाओ गाँव में। तो बोले कि मैया बाबा अगर किसी किसी का इष्ट देवता आगे आगे चले, गुरु आगे आगे चले, उसके पाँव नंगे हों, उसके शिष्य का क्या कर्तव्य है, उसको क्या जूता पहन के पाँव पहन के जाना चाहिए। बोले नहीं बेटा, बोले हमारी इष्ट देवता तो गौए हैं, वो नंगे पाँव जाते हैं वन में, तो हम क्या जूता पहन के जाए, पढ़ाओ पहन के जाए। लेकिन बात क्या, वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणारविंदों पर ऐसा कब्जा कर दिया है कि जब देखो जब उनके दोनों पाँव को अपनी जान पर रखती है और हथेली लगा के सहलाती रहती है, हृदय से लगाती है, धरती पर रखने नहीं देती, क्योंकि धरती हमारी सौ, धरती के ऊपर पाँव नहीं रखना, धरती को चरणारविंद का स्पर्श नहीं होना, तो वैकुंठ तो लक्ष्मी का घर है, वहां रहते हैं तो उनकी बात माननी पड़ती है। अब धरती पर आए तो पृथ्वी के घर में आए, पृथ्वी भी उनकी पत्नी, तो यहाँ भी अपने पांव और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरी चीज डाल ले तो पृथ्वी से भगवत चरणारविंद का स्पर्श नहीं हो, स्पर्श सुख नहीं मिले। तो भले अपने को नंगे पाँव चलना पड़े तो क्या है, लेकिन हमारी जो प्रयत्ती है पृथ्वी कहीं सुखो हमारे चरणारविंद के स्पर्श का सुख मिले, इसके लिए जूता छोड़ के सलाम छोड़ के धरती पर चलते हैं। और धरती बोले धरती तो महाराज जहाँ जहाँ श्याम सुंदर पाँव रखते हैं वहाँ वहाँ अपनी जीभ निकाल के सामने रखते थे, इस पर पाँव रखते हैं। इतना नरम कोमल बालिका जो पत्थर जो है ना वो जीभ के नाम कोमल बन जाता है, वहाँ के बालू कण है वो कमल के पराग के समान कोमल बन जाते हैं, वहाँ के घास, वहाँ के दुर्गा, वहाँ के कण, तो वो श्री कृष्ण के लिए ऐसे सुखद स्पर्श हो जाते हैं। स्वपद रमणम, स्वपद रमणम रति जनकम, जैसे ऐसे समझो कि संसार में जैसे लोगों को बड़े से बड़े सुख में, संसार का जो काम सुख है इतने संसारी लोगों को जैसा आनंद आता है, भगवान के चरणारविंद को वृंदावन की पृथ्वी पर पांव रखने में, जगह जगह चरण स्थापन करने में वो ऐसा आनंद आता है मानो उनके चरणारविंद अपने रमण से मिल रहे हो। स्वपद रमणम, अथवा सुखदेव जी कहते हैं कि वृंदावन कैसा है, स्वपद ही अंकित ही रमणम, जहाँ कहाँ भगवान के चरणारविंद के चिन्ह है, क्योंकि जब भगवान चलते हैं वृंदावन में नंगे पांव तो पाषाण पिघल जाते हैं, श्रवित हो जाते हैं, इसलिए वहाँ के पत्थरों में भी भगवान के चरणारविंद के चिन्ह होते हैं,
अब भी कहते हैं कि श्री गुरुराज जी ने यदा कदा ऐसे पाषाण खंड लिखते हैं जिनमें भगवान के चरणारविंदों के चिन्ह मिलते हैं। अभी बिहारी जी के मंदिर में आंगन में लाके कुछ पत्थर के टुकड़े रखे गए तो जिन पर भगवान के चरणारविंद के चिन्ह पत्थर दिखते हैं। अंकित है, ध्वज है, वज्र है, जव है, भगवान के चरण के जो असाधारण चिन्ह है दूसरों के चरण में नहीं होते हैं उन चरणों से चिन्हित है जहाँ तहाँ वृंदावन। इसी से जब कोई भावुक भक्त वृंदावन में पहुँचता है और उसको ये ख्याल होता है यहाँ भगवान ने जो चारण किया है, यहाँ भगवान धूल में लेटते थे, यहाँ भगवान कदम पर बैठते थे, यहाँ यमुना स्नान करते थे, यहाँ माखन खाते थे, जब ये स्मरण होता है तो उसके अपने देह के सुधी भूल जाती है और वहाँ मग्न होकर के आंखों से आंसू और शरीर में रोमांच हृदय गड़गड़ कृष्ण 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 करके वृंदावन में मग्न हो जाता है। तो अब भी भगवान के चिन्हित चरण के चिन्ह से चिन्हित स्थान ब्रज में मिलते हैं। और तीसरी बात देखो स्वपदाद वैकुंठाद अति रमणम, भगवान का जो स्वपद है अपना पद निवास स्थान वैकुंठ वहां से भी रमणीय है। क्यों? तो भगवान को वहां एक खास तरह की पोशाक में रहना पड़ता है। हर समय सोने का हीरो से जटित मुकुट गिर कर रखो, चार हाथ धारण करो, शंख चक्र गदा दिए रहो। अरे बाबा ये दरबारी रूप न हंस सके न खेल सके न बोल सके, बोले यहाँ तो सब मर्यादा में रहना है, ये दरबारी रूप। और वृंदावन जो है ना ये तो खास निज महल का नजर बाग है, उद्यान है घर का, ये तो प्रिया जी की बगीची है। इसमें चाहे सिर पर मुकुट हो कि नहीं, गंदे पर पीताम पर हो कि नहीं, शरीर पर वस्त्र हो कि नहीं, है ना, यहाँ शंख चक्र गदा का कोई काम ही नहीं, किसी दुश्मन को डरना तो रही है। यहाँ हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, यहाँ के प्रेमियों पर ईश्वर को निछावर करके फेंक दिया है बाहर, जा रहे हैं शोर मथुरा में तू, है ना। यहाँ वृंदावन में ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, इसलिए स्वपदाद वैकुंठादपि रमणम अपने परम पद वैकुंठ से ही अधिक रमणीय है। कोई लोग कहते हैं कि स्वपदाद ब्रह्मणों की रमणम, स्वपद माने स्वपदम स्वपदम, अपना जो परम पद है ब्रह्म, जहाँ मौन होते मौन जहाँ अपना स्वरूप है। देखो ब्रज में तो बोलते हैं कि अरी देरी ग्वालिनी के समान ब्रज सुखर लखो, ये तो ब्रज की बोली है। और वैकुंठ की बोली है कि जय ये काम करो, विजय ये काम करो, विश्वप्रेम ये काम करो, उनको जा करके वैकुंठ में ले आओ, विमान ले आओ, भक्तों को ले आओ, वहाँ आज्ञा देते हैं। वैकुंठ में आज्ञा के शब्द बोलते हैं, ब्रज में प्रेम के शब्द बोलते हैं, और ब्रह्म में बोले मऊ मऊ ही ब्रह्म का स्वरूप है, मऊ का वा। अरे भाई तो खेल भी हो जाए भगवान ही हूँ, लेकिन जब बहुत दिन तक मौनी मऊन बहना पड़ेगा तो तबियत उबरी भी नहीं, तो वहाँ तृप्ति नहीं, बोले प्रमाण नहीं, बोले व्यवहार नहीं, तो राजे ज्ञान कहो, तब भगवान किसी को पता ही, किसी ब्रह्मज्ञानी को पता ही नहीं चले, है ना, ब्रह्म को छोड़ के, है ना, अपने ब्रह्म स्वरूप को कहाँ का कहाँ रहने दे करके, और ब्रज में सुखे के आते हैं, माखन मलाई खाते हैं, बोले अनशन मन में अभी क्या कर सकती, तो ब्रह्म तो कुछ कहता ही नहीं, तो ठीक है उड़ाने को अफवाह। जब इसे रहते रहते ब्रह्म परेशान हो गया तो माखन मिश्री खाने के लिए ब्रज में आ गया। जब अकेले रहते रहते न बाल न बच्चा न घर न द्वार कोई नहीं है ना, वह पत्नी नहीं ब्रह्म के घर, घरवाली कौन है मालूम है, माँ नहीं, बाप नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, तो बोले अच्छा चुपके किसी को पता ही नहीं चले, बोले निराकार साकार कैसे होगा, निर्गुण सगुण कैसे होगा, साक्षी दृश्य कैसे होगा, ये विकार जो है वो कैसे होगा, देश जो है वो क्या कैसे करेगा,
रहे चले गए सब लोग और चुपके से निकला, चुपके से निकला और आ गया वृंदावन में और गट के खाया और गट के खेला और गंध पीला। वो मौज में महाराज, वो मौज में ब्रज में रहा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो स्वदान ब्रह्मरोप रमन, ये कहते हैं कि नीचे ब्रह्म रमन शब्द का प्रयोग किया, वृंदा रहे स्वपद रमनम। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो श्री कृष्ण को बहुत प्यारे हैं, अपने चरण की मन को प्यारे हैं, इसलिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। नहीं बात बनती नहीं, अपने से ज्यादा सुख मिलता है इसलिए आते हैं, वो बात नहीं। कोई बात ऐसी होनी चाहिए अपने चरण चिन्ह को देख करके खुश होंगे। बोले नहीं नहीं, ये शब्द रमणम का अर्थ स्वस्या श्री राधाया पदई अंकित रमणम। वृंदावन में श्याम सुंदर इसलिए प्रवेश करते हैं कि कभी कभी गोपियों के साथ श्री राधा रानी जमुना जी जाती है स्नान करने के लिए, कभी कभी फूल सुनने के लिए आती है उद्यान में तुलसी पत्र लेने के लिए, कभी कभी गोपोहन के लिए गोष्ठ में जाती है। तो उनके चरण चिन्ह जहाँ तहाँ ब्रज में, जहाँ तहाँ वृंदावन में, जहाँ तहाँ श्री राधा रानी के चरण चिन्ह है। तो सुरस्वतिया श्री राधाया पदई अंकित रमणा, इस चिन्ह को जब देखते हैं श्री श्याम सुंदर तो उनकी तबीयत खिल जाती है। इसलिए उनके लिए ये वृंदारण्य अत्यंत रमणीय है। ऐसे वृंदारण्य में प्रादुकत गीत कीर्ति, श्याम सुंदर स्वयं बांसुरी बजा रहे और आनंद में मग्न हो रहे, ग्वाल बाल पीछे से दान कर रहे कीर्ति का, और श्याम सुंदर वृंदावन में प्रवेश कर रहे। प्रादुकत, प्रादुकत माने स्वयं आदिष्ट हो गए, आदिष्ट हो गए माने मैं वृंदावन हूँ। वृंदावन का फूल, वृंदावन का फल, वृंदावन का पत्ता, ये प्रादेश हुआ ना, प्रादुकत धातु में प्र और आ दो उपसर्ग जोड़ करके इस धातु का प्रयोग किया गया। तो एक रहता है तब तो आदेश होता है ना, जिस धातु से आ जुड़ जाए तो आदेश बनता है, और प्र और आ दोनों जुड़ जाए तब तो प्रादेश बन गया। तो प्रादिशत का अर्थ क्या हुआ, प्रादिशत का अर्थ हुआ कि वृंदावन में तन्मय हो गए श्याम सुंदर। तन्मय हो गए इसका अर्थ है कि जब गोपियों ने देखा यदि वृंदावन में तो श्याम सुंदर ने गायों के साथ ग्वाल बालों के साथ डुबकी लगा ली, इस हरियाली में तो कहीं दिखते ही नहीं है, इसके बाद क्या हुआ, वृंदावन में प्रादेश हो गया। प्रादेश हो गया माने पत्ते पत्ते में कृष्ण, फूल फूल में कृष्ण, लता लता में कृष्ण, वृक्ष वृक्ष में कृष्ण, कण कण में कृष्ण। अब तो गोपियां जहाँ देखे वहाँ, अगर उनके सामने बालू कण आया तो दिखा कि एक बालू कण काला है और एक जो है वो गोरा है, अरे ये बालू कण नहीं है, राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। इसी अवस्था में श्याम सुंदर ने पंडित जग की थी, बांसुरी बजाई थी और वो बांसुरी गोपियों ने सुनी थी। तो गोपियों का शरीर दूसरी जगह और उनका दर्शन दूसरी जगह, इसलिए वे बोल नहीं सकती थी। पर सुखदेव जी ने कहा कि इनको जो अनुभव हो रहा है इसको इसे तो नहीं बोल सकती, हम बोलते हैं। तो उन्होंने बोल दिया इसी के रव अपराधन ृत्वाजस्त्रिय सर्वा वर्णयंत्रे। और सुखदेव जी ने देखा कि कोई श्रोता भी है कि नहीं, श्रोता तो महाराज गंगा का तट छोड़ करके है ना, वो सुख पीला जहाँ सुखदेव जी परिचित के किनारे, वो पीला छोड़ करके श्रोत्र मंडली को मग्न है। कोई मूर्खा में है, किसी की आंसू गिर रहे हैं, कोई तन्मय हो रहा है, समाधि में लीन हो रहा है। तो सुखदेव जी ने कहा राजन अरे सावधान हो जाओ, अब तो तुम्हारी अनंत समाधि लगने वाली है, जरा जाग करके उस समाधि को भी मगे, इस श्याम सुंदर के चरित्र को तो सुन लो, जो लोग इस प्रेम गीत का भी तो श्रवण कर लो। इसीलिए राजन गर्भ, राजन परिस्थिति जगाने के लिए, राजन
ये जो बंदी स्वर्ण है, ये देने वाला है, ये संपूर्ण प्राणियों के तन को हरण करने वाला है। ये मन ही नहीं रहने देता। जैसे मन हो गए तब आदमी कोई काम करे, जो बुरा काम करे तो काम मिलेगा और अच्छा काम करे तो पूरे होगा। अब यहाँ पे महाराज ये बांसुरी ऐसे गुरु की चेली है, ऐसे गुरु की चेली है कि उसने लोगों के मन को ही समेट लिया है ना। क्या गाय और क्या बैल और क्या बछड़े और क्या वृक्ष और क्या नदी और क्या पर्वत, क्या लता क्या पता क्या देवी क्या देवता, सबके मन को समेट करके, सबके मन को समेट करके फूक दिया। जब सब लोग समय हो गए, ब्रजस्त्रियों ने उस वेणुनाद को सुना और वर्णयन से आपस में वर्णन करती हुई मन ही मन श्याम सुंदर का आलिंगन करने लगी। अभिवेगी परिवेगी परिगंधन किया उन्होंने,